प्रॉब्लम है वो IGBT का है। ये देख लें, इसमें IGBT लगे हुए हैं, एक ये और एक ये नीचे लगे हुए हैं। बेसिकली इंजीनियर ने जो डिज़ाइन किया है वो 4 IGBT के लिए किया है, ये देखें 4, लेकिन बाद में फिर इसमें कोई अल्ट्रेशन करके वो 2 कर दी गई है। तो इसको हम खोल के देखते हैं, इसके अंदर जो भी मसाइल है वो हम ओके करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम आसिफ इन्वर्टर रिपेयरिंग वर्कशॉप में। आज हमारे पास एक वेल्डिंग मशीन आई है जी, 250 एम्पेयर की वेल्डिंग मशीन है। तो IGBT बेस्ड टेक्नोलॉजी है, DC इन्वर्टर आर्क वेल्डर। तो इसमें आपको मैं बताऊं कि इसको हमने चेक किया है, खोला है, इसकी कंडीशन जो है ना वो काफ़ी खराब है। इसमें मेन जो प्रॉब्लम है वो IGBT का है, ये देख लें, इसमें IGBT लगे हुए हैं, एक ये और एक ये नीचे लगे हुए हैं। बेसिकली इंजीनियर ने जो डिज़ाइन किया है वो 4 IGBT के लिए किया है, ये देखें 4, लेकिन बाद में फिर इसमें कोई अल्ट्रेशन करके वो 2 कर दी गई है। तो इसको हम खोल के देखते हैं, इसके अंदर जो भी मसाइल हैं वो हम ओके करेंगे इंशाल्लाह। IGBT के अलावा जो और प्रॉब्लम आ रहे हैं वो चेक करेंगे। तो इसकी कंडीशन देख लें कि मेरी एक रिक्वेस्ट है जितने भी यूज़र हजरात हैं कि देखें, ये एक कास्टली आइटम होता है, इस करके इसकी आप केयर किया करें इस्तेमाल में। ये जो आपको पार्टिकल नज़र आ रहे हैं मिट्टी के, ये जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ये देखें IC मुख्तलिफ किस्म का, वो कम सिग्नल कम वोल्टेज का जो सिग्नल है वो भी आता है इसके ऊपर, ज़्यादा भी आता है। तो ये कंडक्शन करते हैं आपस में, और कंडक्शन की वजह से ये आगे फिर माल फंक्शनिंग करती है ये चीज़। तो इसकी ब्लोरिंग जो है ना वो टाइमली किया करें, अपना कोई टाइम इंटरवल जो है ना वो एडजस्ट कर लें। प्रोडक्ट मेंटेनेंस जो है ना इसकी लाजमी है, तो वीकली कर लें, मंथली कर लें, एटलीस्ट जो है ना 6 मंथली तो बयाल मीन होनी चाहिए। तो ये अगर आप नहीं करेंगे तो इसके इस तरह के मसाइल आते रहेंगे, और अल्टीमेटली जो खमियाजा जो है ना वो खुद यूज़र को ही भुगतना पड़ेगा। तो जितने भी यूज़र नज़र आते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की कंडीशन से अपनी मशीन को बचा के रखें, जो कि इंतहाई डेंजरस है, इंतहाई डेंजरस है। ये देखें, इसमें जब करंट फ्लो करेगा तो जो सिग्नल इधर आ रहा है तो इसके अंदर जब नमी आ जाएगी तो डेफिनेटली वो हर तरफ जाएगी। तो इस तरह के जो मसाइल हैं वो ज़्यादा नुकसान का बायस बन सकते हैं। तो इसकी डिटेल जो है ना वो आपके साथ लेटर डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर फर्दर जो है ना जो भी मसाइल हैं वो रिजॉल्व करके आपके साथ शेयर करेंगे। A few moments later. दोस्तों ये देखें, ये वाला जो बोर्ड है उसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, ये वही वाला बोर्ड है जो इतनी बैड कंडीशन में था। इसको हमने अभी रेडी कर दिया है, और बाकी कंपोनेंट इसमें लगाने रह गए हैं। जो फॉल्ट की हद तक के प्रॉब्लम थे वो ऑलमोस्ट जो है ना वो ओके हो चुके हैं। इसके IGBT रह गए हैं, इसमें कैपेसिटर लगाने रहते हैं। बोर्ड के जो मसाइल थे वो हमने रिकवर कर दिए हैं, इसके 24 वोल्ट बंद नहीं रहे थे तो वो रेडी हो चुके हैं। अभी आपको हम इसके चेक करवाते हैं ऊपर, जैसे इसमें ये वाला रेक्टिफायर है, आउटपुट रेक्टिफायर है, ये ख़राब थे जो हमने चेंज कर दिया है। तो अभी जो है ना इसकी आउटपुट आपको हम चेक करवाते हैं। ये देखें, इस पर जो है ना वो 25 वोल्ट अवेलेबल हो चुके हैं, और बाकी इसकी जो ये IC है, IC की आउटपुट भी आपको हम चेक करवाते हैं। तो ये देखें जी, इसकी आउटपुट पे हम लगाएंगे, और ये आप देख लें, ये देख लें जी 45.3 किलोवाट्स। ये IC भी अपना काम ठीक तरह से कर रही है, और अभी इसमें ना IGBT कैपेसिटर और बाकी जो चीज़ें रहती हैं वो इंस्टॉल करेंगे हम इस में, और आपको इंशाल्लाह फिर इसका रिजल्ट बताएंगे। इसकी सर्विस हमने की है, इसमें जो चीज़ें देखें ये कितनी बैड कंडीशन में थी, इसको हमने जो है ना वो अच्छी कंडीशन में हम लेके आ चुके हैं। तो इसकी फिटिंग करेंगे इसमें, और इस वेल्डिंग के लिए इसको हम चालू करेंगे। ये कार्ड अभी विद ऑल रिस्पेक्ट कंप्लीट हो चुका है, इसमें सारी इंस्टॉलेशन जो है ना वो
हो गई है, तमाम कंपोनेंट्स इसके जो है ना वो रेडी हैं। ये देखें इसमें जो है ना वो IGBT भी इंस्टॉल कर दिए हैं, हाई परफॉर्मेंस IGBT है जी। और ये भी देख लें, इस साइड पे भी IGBT इंस्टॉल है, इसकी ड्राइव जो है ना वो भी रेडी है, और पीछे जो सिस्टम है इसका कंट्रोल वाला, कंट्रोल कार्ड भी इसका ओके हो चुका है, और पावर सप्लाई भी इसकी रेडी है। तो लेट्स सी, अभी इसको हम पावर देते हैं और इसका आउटपुट हम चेक करते हैं कि ये आउटपुट निकाल रहा है या इसकी क्या सिचुएशन है। तो ये देखें जी, ये 220 हमने इसको दे दिया इनपुट, और इसकी रिले एक्टिवेट कर गई है। तो ये देखें, ये मल्टीमीटर हम लगाएंगे इसके आउटपुट पे, तो देखें जी ये माशाल्लाह 58 वोल्ट जो है ना वो आउट कर रहा है। तो कार्ड अभी बिल्कुल रेडी है, इसको बस हमने बॉडी के अंदर इंस्टॉल करना है, और फिर आपको जो है ना वो इसका वेल्डिंग इसकी टेस्ट करवाएंगे, तो अल्टीमेटली इसका जो भी रिजल्ट है वो आपके साथ शेयर करेंगे।